दोस्तों कोरोना वायरस, ये वायरस ऐसा हो गया है कि चाइना ने पूरे वर्ल्ड में फैला दिया, खुद आराम से बैठा हुआ है आज के डेट में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा चाइना को, और पूरा वर्ल्ड परेशान है। मार्च में लॉकडाउन लगा हमारे देश में, और कई देशों में जो वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं उन्होंने पहले ही लॉकडाउन लगा दिया, क्योंकि आप देखें जब मार्च के टाइम पे या फरवरी के टाइम पे यूरोप का इतना बुरा हाल हो गया था, हम देखते थे इटली में लोग रोडों पे गिर रहे हैं, वहाँ मैक्सिमम तो ओल्ड एज लोग हैं वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इटली को हुआ, जर्मनी फ्रांस वहाँ के लोगों का बुरा हाल हो गया था, तो वहाँ पे लॉकडाउन लगा, चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में, कोरोना के केसेस डाउन हुए, और साथ के साथ इंडिया में भी लॉकडाउन लगा, और इंडिया में भी केसेस एकदम से बढ़े, लेकिन लॉकडाउन का असर दिखा कि वो केसेस धीरे धीरे डाउन हुए। बट दोस्तों जैसे ही ये सब चीज़ें कंट्रोल में आई, अभी हमने देखा पिछले कई दिनों से सेकेंड वेव चल गई कोरोना की, यानी कोरोना दोबारा से पिक्चर में आ गया, चाइना में नहीं आया, इंडिया में आया। अब पता नहीं चाइना ने दोबारा भेज दिया, जैसे लोग पहले कहते थे, ट्रंप कहते थे यार ये चाइनीज़ वायरस है, तो पता नहीं चाइनीज़ वायरस दोबारा से चाइना ने भेज दिया, अपने देश से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। तो दोस्तों ये लग रहा है कि कब सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कब नोटिफाई कर दे कि भाई इस जगह पे लॉकडाउन है, इस स्टेट में लॉकडाउन है, या कंप्लीट लॉकडाउन, तो अभी मुश्किल ही लग रहा है, हो भी सकता है और हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो सरकार कंप्लीट लॉकडाउन लगाएगी पूरे देश में, वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और वो आपके लिए ही लॉकडाउन लगेगा ताकि आप लोगों की सेहत अच्छी रहे, कोरोना से आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ इजी चैनल पे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या भारत में दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। और अब दोस्तों ये जानते हैं कि पिछले कई दिनों से इंडिया में केसेस एकदम से बढ़ गए, खासकर दिल्ली का आप देखिए, जब पीक टाइम था अप्रैल मई जून, तो उस टाइम दिल्ली में केसेस बहुत कम थे, स्टार्टिंग में बढ़े थे बट बाद में बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया था दिल्ली। इवन दिल्ली का एग्जांपल दिया जाता था कि दिल्ली में देखिए केसेस बहुत कम है, चाहे वो कैपिटल है इंडिया की, लोग बाहर से आते हैं, इलाज कराते हैं, ट्रैवल करते हैं, लेकिन केसेस बहुत कम है दिल्ली में। और हाँ, एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, जो केसेस थे उसमें डेथ रेशियो भी बहुत कम था दिल्ली में, लेकिन पिछले कई दिनों से हम देखें एकदम से दिल्ली में केस बढ़ गए हैं और डेथ रेशियो बढ़ गई, ये सबसे बड़ी टेंशन की बात है हमारे लिए। और दिल्ली के साथ साथ आप गुजरात को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए, महाराष्ट्र तो है ही है, यहाँ पे एकदम से केसेस बढ़ने लगे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गुजरात में अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, यानी अब वहाँ पे रात में कर्फ्यू रहेगा, लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। दूसरा, अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने अपने जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसको 30 नवंबर तक बंद कर दिया है ताकि बच्चों को कोरोना का इफेक्ट ना हो, एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि कोरोना आगे ना फैले। साथ के साथ हमने एमपी में ये देखा कि जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग ली कि हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि भोपाल का भी बुरा हाल हो रहा है अब कोरोना से, तो हो सकता है हम देखें कुछ दिनों में कि भोपाल में भी नाइट कर्फ्यू लगे या हो सकता है लॉकडाउन लगे वहाँ पे। साथ के साथ महाराष्ट्र का भी बुरा हाल है, अभी जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में कोरोना से बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, वहाँ डेथ हो रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार क्या सोच रही है कि दिल्ली से वो सारी आने वाली ट्रेनें कैंसिल करा दे, वहाँ से फ्लाइट बैन कर दे कि दिल्ली का कोई भी बंदा महाराष्ट्र ना जाए और महाराष्ट्र में दोबारा वो फ्लो ना आए कोरोना का, जो एकदम से केसेस वहाँ पे बढ़े हुए थे। दोस्तों बात करें दिल्ली में क्या स्टेप लिया जा रहा है कोरोना की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, जो कभी पीक टाइम पे दिल्ली कंट्रोल में थी, वो आज की डेट में इतना स्पीड क्यों पकड़ रही है कोरोना केसेस को लेके। पहला, दिल्ली में जो पहले मास्क ना लगाने का चलान था, वो 500 रुपये का चलान था, अब उसको बढ़ा के 2000 कर दिया गया है, तो लोगों में डर होगा, पैसा जो उनके पॉकेट से निकलेगा, हो सकता है उसकी वजह से वो लोग मास्क लगाएं। दूसरा दोस्तों, अभी दिल्ली में मीटिंग चल रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की, केजरीवाल सरकार की हो, लेकिन केजरीवाल सरकार ने ये भी बोला था जो दिल्ली में भीड़ भड़ाके वाली मार्केट से उनको बंद कर दीजिए, बट अभी वो प्रपोजल है, बातें चल रही हैं। बट दोस्तों ये सब देखते हुए लगता है कि इंडिया में हो सकता है कहीं पर लॉकडाउन लग जाए या कुछ नए रूल्स आ जाएँ, तो ये डिपेंड करता है कि आगे क्या डिसीजन लेती है हमारी सरकारें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो। अच्छा, अभी तक इन्हीं जितनी नेगेटिव बातों के बीच एक पॉजिटिव बात भी ये है कि जो इंडियन कंपनी भारत बायोटेक है, जो अपनी वो कोवैक्सीन जो टीका डेवलप कर रही है, वो थर्ड फेज का ट्रायल उसका शुरू हो गया है, और हरियाणा के मिनिस्टर अनिल विज जी वो पहले वॉलंटियर बने हैं थर्ड फेज़ के ट्रायल के लिए। तो एक अच्छी न्यूज़ आई है कि एक इंडियन कंपनी जो वैक्सीन डेवलप कर रही है, उसका थर्ड फेज़ में ट्रायल पहुँच गया है। और दोस्तों अभी बीच में हर्षवर्धन जी का भी एक इंटरव्यू आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जून जुलाई तक हम 30 करोड़ लोगों को ये टीका लगा देंगे, भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन टीका है वो 30 करोड़ लोगों को जून जुलाई तक लग जाएगा, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बट दोस्तों जब तक हमें क्या करना है, जब तक ये टीका नहीं आता है, जब तक हम लोगों को क्या करना चाहिए कि कोरोना आगे तेज़ी से ना बढ़े, हमारी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा
वायरस है जो आदमी से आदमी को ट्रांसफर होता है, यानी ये एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में रहता है, आप छींकते हैं, खांसते हैं या आपके छूने से किसी को कोरोना हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप बकायदा मास्क लगाइए, कहीं भीड़ भड़ाके वाली जगह पे मत जाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, हाथों को टाइम टू टाइम धोते रहिए, सैनिटाइज करिए, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी वजह से किसी और को कोरोना ना हो। आप इफेक्टेड होंगे, आप अपने साथ साथ कई लोगों को भी इफेक्टेड कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।